हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्रूज की जो गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पे चलता है। साथियों, इस नदी का नाम मैन पे रखा गया है, नहीं तो सारी नदियों का नाम ज्यादातर महिलाओं पे ही रखा गया है, जैसे सरस्वती, गंगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, अलकनंदा, ये सभी नदियां जितनी भी है साथियों भारत में सभी का नाम महिलाओं पे रखा गया है। एकमात्र यही ऐसी नदी है भारत में जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है, इसलिए भी साथियों ये नदी ज्यादा लोकप्रिय है। और गुवाहाटी में आपको पता है ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे साथियों काफी पुराने प्राचीन मंदिर भी आपको मिलते हैं। कामाख्या मंदिर यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ से साथियों दर्शन करने के बाद जिन लोगों को क्रूज के बारे में मालूम हो जाता है इसका सफर करना नहीं भूलते हैं। इस क्रूज पे साथियों चाहे तो आप सनसेट का ही मजा ले लीजिए, वह भी काफी बेहद खूबसूरत होता है, या आप इस पे डिनर क्रूज का मजा ले सकते हैं जो बेहद ही लाजवाब और शानदार आपको यहाँ पे मिलता है। इनके क्या क्या प्राइस होते हैं सनसेट के या डिनर क्रूज के आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। इनकी टाइमिंग क्या होते हैं वह भी आपको मालूम हो जाएगा, किस घाट पे आपको आना होगा, सब कुछ साथियों जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टूर डी के राज पे। अगर साथियों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। या साथियों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टूर डी के 36 मेरी आईडी है, आप अपने सवाल वहाँ भी मुझसे कर सकते हैं। साथ ही यह क्रूज असम गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पे चलता है, जिसमें खाना पीना और यहाँ के लोक संस्कृति, नृत्य संस्कृति सब कुछ देखने को आपको इस क्रूज पे मिल जाएगी, और सनसेट या डिनर क्रूज का मजा भी आप इस पे ले पाएंगे। इस क्रूज का नाम साथियों अल फ्रेस्को ग्रैंड क्रूज है। इसका आनंद लेने के लिए साथियों आपको आना होगा अजान मार्केट घाट पे, हनुमान मंदिर के पास ही यह साथियों आपको गुवाहाटी में मिलेगा। चाहे तो आप इसका एरिया नंबर भी नोट कर सकते हैं, 781001। इस क्रूज पे साथियों आपको कई रेस्टोरेंट भी मिलते हैं जिसमें आपको मेन्यू दे दिया जाता है, जो भी आपको पसंद हो या आपके बजट में हो आप अपने स्वाद अनुसार उसे ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जिस समय क्रूज साथियों पानी के बीचों बीच चलता है और चारों ओर पानी ही पानी, और आपको जो मजा यहाँ पे फील आता है बेहद ही लाजवाब होता है। साथियों इस नदी पे जो ये क्रूज चलता है एकमात्र सनसेट का आनंद लेने के लिए लोग सबसे ज्यादा इस पे जाते हैं। बात कर लेते हैं साथियों डिनर क्रूज की। अगर आप डिनर क्रूज कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग भी अलग है और प्राइस भी अलग है। उस समय आपको इस क्रूज पे अनलिमिटेड खाना मिलता है, कोई भी आपको अदर पे नहीं करना होता है डिनर क्रूज पे। डीजे की सुविधा साथियों क्रूज पे, वहाँ पे साथियों आप डांस का मजा ले सकते हैं, पार्टी का मजा ले सकते हैं, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कराना चाहते हैं उसे आप सेलिब्रेट करा सकते हैं। लेकिन कुछ भी अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो उसके आपको पैसे पे करने होंगे। गुवाहाटी का नृत्य आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफी प्रोग्राम आप अंदर कर सकते हैं, देख सकते हैं। हॉल दिया गया है जिसमें आप कॉन्फ्रेंस भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे और आपके बजट पे। तो बात कर लेते हैं साथियों इस सुंदर नज़ारे के साथ साथ इसके टिकट की। कितने रुपए का आपको टिकट सनसेट का लेना होगा, अगर आप डिनर क्रूज करना चाहते हैं तो उसका क्या आपको टिकट लेना होगा। अगर साथियों आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ गए तो डिनर क्रूज का आनंद लेना बिल्कुल भी मत भूले, काफी मजा आता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका इस पे रहने वाला है। चलिए बताते हैं क्या टिकट होने वाला है। साथियों टिकट बुक आप दिन में ही कर लीजिएगा, वो भी जल्दी कर लीजिए क्योंकि जल्द ही क्रूज बुक हो जाता है। टिकट बुक करने के लिए साथियों आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, alfrescocruise.com पे जा सकते हैं, और काफी अन्य वेबसाइट प्राइवेट भी मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे बुक कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर सभी वेबसाइट के उनपे होते हैं तो उनसे बातचीत भी आप कर सकते हैं। बात करें साथियों अगर आपको सिर्फ सनसेट का मजा लेना है तो उसके आपको एक व्यक्ति के 450 रुपए देने होंगे और बच्चों के 350 रुपए आपको यहाँ पे देने होंगे, और एक घंटे का पूरा सफर मिलता है। आप उसमें कुछ खाना पीना चाहते हैं तो मेन्यू में आपको एक्स्ट्रा पे करके खाने के लिए मिलता है। और साथियों आप चाहते हैं अगर डिनर का मजा लेना तो इसे याद जरूर रखिए, जिस समय आप डिनर करने जाते हैं तो इसका टिकट आपको एक व्यक्ति का 1300 रुपए का लेना होगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड खाना मिलेगा, डीजे मिलेगा, पार्टी करने के लिए एंजॉय आप वहाँ कर सकते हैं, होल कॉन्फ्रेंस में जो भी प्रोग्राम चल रहे होंगे उनका आप मजा ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की सुविधा आपको मिलती है, आइसक्रीम, फास्ट फूड, ये सब कुछ आपके टिकट में इंक्लूड होता है। आप चाहते हैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कराना, शादी की सालगिरह, कोई भी अन्य ऐसा सेलिब्रेशन कराना जिसे आपको खास बनाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिसे क्रूज मेंबर मैनेज करके आपको देंगे और आप अच्छे से इसे यादगार पल बना पाएंगे। एक बात और नोट कर लीजिए, अगर साथियों आप इस क्रूज को बुधवार में करना चाहते हैं तो बुधवार में सुबह और शाम दोनों समय यह क्रूज अवेलेबल होता है, और बात करें गुरुवार से मंगलवार तक की तो यह क्रूज सिर्फ शाम को ही चलता है। अगर आप सनसेट का मजा ले रहे हैं तो आपको 4:30 बजे से ही इसका आनंद लेना शुरू करना होगा, आप आ जाए
जाइए, फिर 5 बजे से सफर शुरू हो जाता है। आध घंटा पहले ही आपको आना होगा। बात करें डिनर क्रूज की, तो 7:30 बजे साथियों आपको एंट्री करनी होगी और 8 बजे से क्रूज शुरू हो जाता है। साथियों इस क्रूज में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, किस समय चलता है, कहाँ से ये चलता है, क्या इसकी टाइमिंग होती है, टिकट बुक आप किस वेबसाइट से कर सकते हैं, सभी कुछ चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं और आप मालूम करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।